यहाँ पर देख सकते हो कि डब्ल्यूबीजी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। इसमें क्या बताया गया कि अगर आप नो अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप किए हो देन यू हैव टू टेक एडमिशन, ओके, अदरवाइज आप मॉपअप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ओके। और देखो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने बताया था कि मॉपअप में क्या क्या एलिजिबिलिटी है तो काफ़ी कन्फ्यूजन था तुम लोग को, वैसे मैं डिटेल में बता दियो, एक बार जरा फिर से देख लो, लेकिन मैं फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि सपोज तुमको राउंड वन में कोई सीट मिला, ओके, उसको तुम अपग्रेडेशन करवा दिए, यस अपग्रेडेशन करवा दिए, राउंड टू में तुम्हें फिर से सीट मिल सकता है या वही सीट रहेगा, यह दो केस हो सकते हैं। अब देखो सब केस भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एडमिशन तुम करवा लिए या एडमिशन तुम नहीं करवाए। अब देखो अगर तुम एडमिशन नहीं करवाते हो देन ऑल्सो यू कैन पार्टिसिपेट इन मॉपअप, अगर तुम एडमिशन करवाते हो देन ऑल्सो यू कैन पार्टिसिपेट इन मॉपअप। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम एडमिशन नहीं करवाते हो और मॉपअप में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डेट दिया रहता है कि इतना तारीख से लेकर के इतना तारीख के अंदर ही तुमको एडमिशन करवा लेना होगा, अगर नहीं करवाते हो तो उसका सीट जो कैंसिल हो जाएगा। तो राउंड टू में अगर एडमिशन करवाना चाहते हो तो पर्टिकुलर डेट है, वो पर्टिकुलर डेट के अंदर ही करवाना होगा, ओके, और मॉपअप में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन है, सपोज मॉपअप में मुझे कोई सीट मिल गया, ओके, एंड राउंड टू में मैं एडमिशन करवा लिया हूँ, तो देखो उसका जो रिफंड है वो रिफंड तुम्हें मिल जाएगा। डब्ल्यूबीजी बोर्ड ने बता दिया ऑलरेडी कि 7 से 8 महीने के अंदर वो जो रिफंड है, एडमिशन जो हम करवाए थे राउंड टू में एडमिशन करवाते हो तो जो भी रिफंड है 70,000, 50,000, 60,000 वो रिफंड मिल जाएगा 7 से 8 महीने के अंदर। फिर भी कुछ अगर डाउट है, मतलब मैं कंफर्मेशन के लिए डब्ल्यूबीजी बोर्ड से कॉल करूंगा, उनसे मैं पूछूंगा कि हाँ मतलब कैसा आपका प्रोसीड्योर है, कितना रिफंड मिलेगा। और एक बात देखो, ये जो बता रहे यहाँ पर डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, इसे जरूर डाउनलोड कर लेना, जैसे यहाँ पर लिख रहा है डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, सपोज राउंड टू के लिए काम आएगा, हो सकता है राउंड टू में इसे टैब ना दिखे, बस मैं कंफर्मेशन के लिए तुम्हें बता दिया कि इसका जो PDF है PDF को जरूर डाउनलोड करके रखना। और एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर चॉइस लॉक्ड का, जैसे एक तुम देखोगे तुम जो चॉइस फिल्म जो किए थे ना उसका जो लॉक किए थे उसका प्रिंटर करवा के रख लेना, वो भी काम आएगा काफ़ी, हो सकता है राउंड टू में वो ना दिखे, इसलिए मैं तुमको बस बता दिया कि ये जो 2 PDF है इसे जरूर डाउनलोड करके रखना, ओके।